है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सफल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। आपने खुद कल देखा होगा कि कितना बड़ा कार्यक्रम, कितना इन्वेस्टमेंट विभिन्न देश और विदेश के कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया। इसके पीछे सरकार की जो पॉलिसी है तथा बेहतर कानून व्यवस्था का जो एक मॉडल दिया गया है, उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है। उसी क्रम में ये बच्चे जो कि एक ट्रांसपेरेंट भर्ती प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, ये जनता की, समाज की, विभाग की और देश की सेवा अगले 40 साल तक करेंगे। अभी की भर्ती 60,000 से कुछ ऊपर की है और आने वाले एक वर्ष में हम कुल 1,00,000 लोग विभाग में लेंगे, जिससे कि लगभग 60,000 ये और आगे 40,000 और भी भर्ती जब होगी, तो अगर ट्रेनिंग हम पूरा कर लें तो अगले 1.5 से 2 वर्ष के भीतर 1,00,000 से अधिक मेधावी कांस्टेबलरी हमारे पास अवेलेबल होगी, जो लंबे समय तक प्रदेश की सेवा करेगी। और एक अंतर्विभागीय समन्वय के साथ बेहतर व्यवस्था का परिणाम है कि भर्ती का एक अपने आप में उत्तर प्रदेश का मॉडल भी आज देश के सामने है और सभी लोग संतुष्ट हैं और एक टीम वर्क का ये प्रतिफल है कि इस तरह से के परिणाम आ रहे हैं। पुलिस की शक्ति का नतीजा रहा कि कोई भी संगठन गिरोह काम नहीं कर पाया, पेपर लीक नहीं हो पाया। हालांकि कई सारे ठग ऐसे रहे, कई सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने लोगों के साथ छलने का काम किया, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भी की। ये सभी ऐसे गलत लोग रहते हैं जो परीक्षाओं की शुचिता को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। उस पर हमारी एसटीएफ और सिविल पुलिस की टीम लगातार कार्य कर रही है और जैसा कि मैंने बताया कि एक टीम भावना के रूप में पूरा पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, रेल विभाग, प्रशासनिक अमला सबने साथ मिलकर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है, जिसके फलस्वरूप ये चीज संभव हो सकी। सर, करीब 30% के आसपास ड्रॉप आउट रहा है, उसका क्या वजह मानते हैं सर? कि आप जो अच्छे पहलू हैं उसको देखिए कि लगभग 48,00,000 से अधिक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसमें 15,00,000 से अधिक महिलाएं हैं, 6,50,000 से अधिक अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी हैं। ये अपने आप में बहुत उत्साहजनक चीज़ें हैं और इस तरह की अगर मेरिटोरियस लोग आएंगे विभाग में तो इससे विभाग में भी एक अच्छी छवि बनेगी और ये लोग अल्टीमेटली सभी लोग जनता की सेवा के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं, तो जितने बेहतर लोग आएंगे उतनी ही अच्छी हम सर्विसेज समाज को दे पाएंगे। 7,000 के बाद जल्द 40,000 की भर्ती निकलेगी? नहीं, हम लोग तो ये तो लगातार भर्ती की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 9,000 से 10,000 की का रिटायरमेंट होता है, कुछ लोगों का प्रमोशन होता है, कुछ नए पद क्रिएट होते हैं। तो आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम आने वाले 2 साल में भर्तियों के बारे में विशेष रूप से सजग रहेंगे
और हमारा अपना लक्ष्य है कि अगले 1.5 साल में हम लगभग 1 लाख पुलिसकर्मी अपने विभाग में लें। सर एक और सवाल है कि सर ETS में अभी बीते दिनों से कई फर्जी जन्म प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट का पूरा सिंडिकेट बस्ट किया है, रायबरेली उसके बाद कल आजमगढ़ से भी पकड़े गए। ये ATS पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के हरेक विभाग अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार लगातार कार्य कर रहे हैं, उसका अभी कोई रिक्रूटमेंट से लेना देना नहीं है। हम ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार नज़र रख रहे हैं और जिसका परिणाम ये है कि यहाँ अमन चैन है, सभी चीज़ें नियंत्रण में हैं।